नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएमटी कंपोनेंट के बारे में। एसएमटी कंपोनेंट को हम बोलते हैं एसएमडी, सरफेस माउंट डिवाइस। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे एसएमटी कंपोनेंट के बारे में, उसके कितने टाइप के आईसी होते हैं, उसमें उन कंपोनेंट को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, उसका मेजरमेंट या फिर उसको डिनोट कैसे करते हैं। जो आईसीज होती हैं उनके अलग अलग तीन टाइप के लेग्स होते हैं, उन लेग्स के बारे में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे एमएसएल लेवल के बारे में। कंपोनेंट का एमएसएल लेवल क्या होता है? एमएसएल मींस मॉइस्चर सेंसिटिव लेवल। कोई भी कंपोनेंट कितना सेंसिटिव है मॉइस्चर को लेके, ये एमएसएल लेवल डिफाइन करता है। तो इन सारे टॉपिक पे आज इस वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में कंपोनेंट यूज होता है वो मेनली दो टाइप्स का होता है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि पीसीबी बनाने के दो प्रोसेस होते हैं, एक है एसएमटी, एक है टीएचटी। एसएमटी सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी और टीएचटी थ्रू होल टेक्नोलॉजी। तो सेम इसी आधार पर कंपोनेंट को भी बांटा गया है। एक तो एसएमटी कंपोनेंट होता है जो एसएमटी में यूज होता है, और एक होता है टीएचटी थ्रू होल टेक्नोलॉजी। तो उसमें थ्रू होल कंपोनेंट होता है, उसमें लेग्स होते हैं कंपोनेंट के जो कि पीसीबी के अंदर थ्रू होल में इंसर्ट किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसएमडी के बारे में, सरफेस माउंट डिवाइस। एसएमटी कंपोनेंट को हम एसएमडी भी बोलते हैं, एसएमडी सरफेस माउंट डिवाइस। जो भी हमारा एसएमटी कंपोनेंट है उसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला एक्टिव कंपोनेंट, दूसरा पैसिव कंपोनेंट। अब एक्टिव कंपोनेंट क्या क्या होता है और पैसिव कंपोनेंट क्या क्या होता है? अ पैसिव कंपोनेंट इज अ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट विच कैन ओनली रिसीव द एनर्जी विच इट कैन आइदर स्टोर एंड डिसिपेट। और हम ये भी कह सकते हैं कि पैसिव कंपोनेंट में कोई पोलैरिटी नहीं होता। पोलैरिटी मींस क्या होता है? कि किसी कंपोनेंट को किस डायरेक्शन में लगाना है। तो जो भी हमारा एक्टिव कंपोनेंट होता है उसमें पोलैरिटी होता है कि ये इसी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, अगर उल्टा डायरेक्शन में लगा दिया तो ये काम नहीं करेगा। बट पैसिव कंपोनेंट के साथ ऐसा कोई पोलैरिटी नहीं होता। पैसिव कंपोनेंट होते कौन कौन से हैं? पैसिव कंपोनेंट हैं रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सारे पैसिव कंपोनेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं एक्टिव कंपोनेंट के बारे में। व्हाट इज एक्टिव कंपोनेंट? एन एक्टिव कंपोनेंट इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट विच कैन सप्लाई एनर्जी टू ए सर्किट, लाइक वोल्टेज सोर्स, करेंट सोर्स, ये सारे एक्टिव कंपोनेंट में आते हैं। एक्टिव कंपोनेंट के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या होता है एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट में होता है ऑल टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, डायोड्स, सोलर सेल, ऑल टाइप ऑफ थ्री टर्मिनल डिवाइस लाइक ट्रांजिस्टर, ऑल टाइप ऑफ आईसी, वीजीए, तो ये सारे एक्टिव कंपोनेंट में आते हैं। जैसा कि आप कुछ एग्जांपल देख रहे हैं, पैसिव कंपोनेंट रजिस्टर, कैपेसिटर, ऑल टाइप ऑफ सेंसर एंड इंडक्टर। और कुछ एग्जांपल है एक्टिव कंपोनेंट के, ऑल टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, एम्पलीफायर्स या लॉजिक गेट्स। को डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, इट मीन्स कि वो रॉन्ग डायरेक्शन में काम नहीं करेगा, वो सारे आते हैं एक्टिव कंपोनेंट में। एसएमटी के जो नॉर्मल कंपोनेंट है जैसे कोई रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट साइज का आता है, राइट? ये साइज वाइज भी डिफाइन किया जाता है इसका साइज क्या है। जैसे कोई बोलता है O4 O2 O6 O3, तो इसका मतलब क्या होता है? O4 O2 क्या होता है? O6 O3 क्या होता है? तो हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो एसएमटी कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए मेनली दो स्केल है, एक होता है मैट्रिक्स कोड, दूसरा होता है एम्पीरियल कोड। ये मैट्रिक्स और एम्पीरियल कोड क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ यूज होते हैं अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं यहाँ दो टाइप के स्केल लगे हुए हैं, राइट? एक है मैट्रिक्स, दूसरा है एम्पीरियल। एम्पीरियल यूएस कंट्री में यूज होता है और मैट्रिक्स अदर कंट्री में यूज होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? एम्पीरियल में जो यूनिट होता है वो इंचेज में होता है, कंपोनेंट को हम इंचेज में मेजर करते हैं, और मैट्रिक्स में जो कंपोनेंट होता है उसे हम एमएम में मेजर करते हैं। अब जैसे कोई बोलता है O4 O2 या O6 O3, ये कैसे डिफाइन करता है कंपोनेंट का साइज? जैसे फॉर एग्जांपल आप फोटो में देख रहे हैं ये चार डिजिट जो कोड होता है इसमें कंपोनेंट की थिकनेस डिफाइंड नहीं होता, इसमें कंपोनेंट की विड्थ और लेंथ ये डिफाइंड होता है, राइट? इस फोर डिजिट कोड में इसका हाइट कभी भी मेंशन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं पैकेजिंग के बारे में, जो एसएमटी कंपोनेंट आता है वो किस टाइप के पैकेजिंग में आता है। तो पहला एक तो आता है वो रील टाइप के पैकेजिंग में, रील होता है, और दूसरा आता है ट्रे। जो भी आईसी या वीजीए वगैरह हैं
जो थोड़े बड़े होते हैं वो ट्रे में आता है, राइट। लेकिन जो छोटे कंपोनेंट है वो सारे रिल में आते हैं। जितने कंपोनेंट रिल में आते हैं, वो रिल कितने टाइप का होता है? रिल मोस्टली दो टाइप का आता है, एक आता है प्लास्टिक, एक आता है पेपर वेस्ट। SMT कंपोनेंट जिस पैकिंग में आता है, जिस रिल में, उसे हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है कैरियर, एक होता है टेपिंग। कैरियर जो आता है वो प्लास्टिक में भी आता है और पेपर में भी आता है। सेम है जो टेपिंग है वो भी प्लास्टिक में भी आता है और पेपर में भी आता है। रजिस्टर जो होता है वो मोस्टली पेपर टाइप के कैरियर में आता है, और प्लास्टिक टाइप के जो रिल होते हैं उनमें मोस्टली कैपेसिटर और सेरामिक कंपोनेंट आता है। जो कंपोनेंट रिल होता है उसके कुछ पार्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला कैरियर टेप, दूसरा कैविटी, तीसरा स्पॉकेट होल, चौथा टॉप कवर या कह सकते हैं टॉप टेपिंग, और पांचवा लेबल। तो हम वन बाई वन बात करते हैं। कैरियर टेप जो होता है, जो पूरे रिल का बेस होता है, उसे कैरियर टेप कहते हैं, राइट। कैविटी क्या होता है कि उस कैरियर में बीच बीच में कैविटी बने होते हैं जिसमें कंपोनेंट रखा जाता है। उसके बाद होता है स्पॉकेट होल। स्पॉकेट होल किस काम में आता है? रिल को वन बाई वन फीड करने के काम में स्पॉकेट आता है। स्पॉकेट के जो पिच होता है, जो डिस्टेंस बिटवीन टू होल्स, ये सेम होना चाहिए, नहीं तो फिर जो उसकी फीडिंग है कंपोनेंट की वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और जो चौथा है कैरियर टेप, कैविटी में कंपोनेंट रखने के बाद उसको ऊपर से कैरियर टेप से कवर किया जाता है ताकि वो कंपोनेंट कभी गिरे ना, राइट। और पांचवा होता है लेबल। उस लेबल पे लिखा रहता है कंपोनेंट किस साइज का है, कंपोनेंट का वैल्यू क्या है, किस कंपनी का है, और बाकी सारी चीजें उस लेवल पे लिखा रहता है। अब हम बात करते हैं SMT IC फैमिली के बारे में। नंबर ऑफ IC होते हैं, रोज नए नए IC डेवलप भी होते हैं, तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं कि कितनी IC हैं SMT में, राइट। जैसा कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं, कुछ IC स्मॉल आउटलाइन, पिन ग्रिड एरे, टी सोप, लेडेड चिप कैरियर, QFP क्वाड फ्लैट पैकेज और फ्लैट पैकेज। SMT में जितने भी हम IC यूज करते हैं उनके लेग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, राइट। ये मोस्टली तीन टाइप के लेग्स आते हैं, पहला गुलविंग, दूसरा फ्लैट और तीसरा जे लीड। तो ये तीन टाइप के अलग अलग लीड हैं। जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, गुलविंग थोड़ा सा जेड कर्व में है, फ्लैट एकदम सरफेस है, और जेलिंग जे टाइप का बना हुआ है। ये कुछ एग्जाम्पल है SO IC की। SO क्या होता है? स्मॉल आउटलाइन IC, या स्मॉल आउटलाइन IC का कुछ एग्जाम्पल है। जैसा फोटो में आप देख रहे हैं, ये जितने भी IC हैं सबके लेग्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। किसी का जे टाइप होगा, किसी का फ्लैट होगा, किसी का गुलविंग होगा। अब बात करते हैं हम फ्लोर लाइफ ऑफ कंपोनेंट। SMT में कुछ कंपोनेंट इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनका फ्लोर लाइफ एक लिमिटेड होता है। कुछ कंपोनेंट तो होते हैं कि आप रखे रहो 6 महीने तक, खराब नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसी इतनी सेंसिटिव होती है कि अगर आपने उसे फ्लोर पर रख दिया खुले में, तुरंत ही मॉइस्चर के वजह से खराब हो सकता है। तो इसे बोलते हैं MSL लेवल। ये जो सेंसिटिविटी है ये डिफाइन करता है MSL लेवल। कंपोनेंट का MSL लेवल कितना है उस पर डिपेंड करता है कि कंपोनेंट कितना सेंसिटिव है और इसकी फ्लोर लाइफ क्या होनी चाहिए। MSL का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉइस्चर सेंसिटिव लेवल। MSL लेवल इज इंडिकेट द फ्लोर लाइफ ऑफ द कंपोनेंट, इट्स स्टोरेज कंडीशन एंड हैंडलिंग कंडीशन आफ्टर ओरिजिनल कंटेनर हैज बीन ओपेंड। इसका मतलब कि MSL लेवल डिफाइन करता है कंपोनेंट कितना सेंसिटिव है और उसका फ्लोर लाइफ क्या होगा, उसको हैंडल कैसे करना है। अगर हमने उसका जो प्रॉपर पैकिंग है उस पैकिंग को खोल दिया, तो पैकिंग खोलने के हम कितने देर बाद तक उस कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं, इसके बाद वो कंपोनेंट खराब हो जाएगा, ये डिपेंड करता है MSL लेवल पे। तो MSL लेवल कंपोनेंट का सेंसिटिविटी बताता है। MSL लेवल के अनुसार हमने उस कंपोनेंट को हैंडलिंग नहीं किया तो उस कंपोनेंट में मॉइस्चर आने के चांसेस होते हैं। मॉइस्चर से क्या होता है कि कंपोनेंट जब रिफ्लो होगा उस टाइम कंपोनेंट क्रैक कर जाता है या फिर अंदर वॉइड बन जाते हैं। वो सारी चीज़ें प्रोडक्टिविटी में बहुत असर करती है। जैसा कि आप फोटो में देख ले रहे हैं, फ्लोर लाइफ अलग अलग है कंपोनेंट का। जैसा ही MSL लेवल बढ़ता है, फ्लोर लाइफ कंपोनेंट की कम होता जाता है, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है कंपोनेंट की। 6 MSL लेवल के कंपोनेंट हमेशा बेकिंग करना पड़ता है बिफोर यूज। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें।